दोस्तों 1962 की इंडिया चाइना वॉर और 2021 की रशिया यूक्रेन वॉर में क्या कॉमन है? देखिए 1962 की वॉर में इंडिया ने चाइना के अगेंस्ट अपनी एयरफोर्स को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं किया था, जिसका खामियाजा हमें आज भी भुगतना पड़ रहा है। अक्साई चिन और लद्दाख में दूसरी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस आज भी चाइना कंट्रोल कर रहा है, और यही सेम गलती रशिया ने यूक्रेन में करी है। जहां लास्ट ईयर सभी ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि रशिया की यूक्रेन इन्वेशन 30 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, और आज एक साल बाद भी रशिया यूक्रेन में स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है। रशिया ने भी अपनी एयरफोर्स को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं किया है। रशिया के पास यूक्रेन के कंपैरिजन में 10 टाइम्स ज्यादा एयर पावर है, लेकिन फिर भी यूक्रेन के ऊपर अभी भी रशिया के पास एयर सुपरियोरिटी नहीं है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इसके दो मेजर रीजंस हैं। पहला रीजन है सैम्स, यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल्स, जो वेस्टर्न पावर्स ने यूक्रेन को प्रोवाइड किए हैं। सेकेंड रीजन है रशियन मिलिट्री का स्ट्रक्चर।